गाइस, तो आज है संडे और संडे में बहुत सारा काम है फंडे ना होकर, और पूरा घर चारों तरफ से गंदा है। तो सुबह सुबह आके बिमला दी करके गई है, करके इतना भी कुछ नहीं करती है वो, आके अभी खाली घूमती, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करती है, फिर बहुत ज़्यादा लेट आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको अभी ना एक मतलब इस बार मैं ढूंढ के अगर कोई दूसरी वाली दीदी मिल गई तो इसको छुड़वा के फिर उसको रख लूँगी, क्योंकि ये ना काम अच्छे से बिल्कुल ही नहीं करती है, बहुत ही गंदे से काम करती है। जब भी बोलती हूँ, कुछ भी करने के लिए बोलती हूँ तो करती नहीं है। तो भाई साहब, मैं महीने महीने में पैसा यूँ ही थोड़ी ना दूँगी। और हम लोग रहते हैं वहाँ पे, ये गंदा होता है पूरा। तो जब अभिषेक आता है यहाँ पे हर महीने 4 दिन के लिए, तो उस टाइम भी मतलब वो अच्छे से काम नहीं करती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस बार उसको बोलूँगी, वो अगर नहीं मानती है तो उसको इस बार हटाऊँगी। तो जो भी हो, देखो घर का अभी यहाँ पे बेड होके एक तो प्रॉब्लम हुआ है, एक अच्छा भी हुआ है, प्रॉब्लम भी हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे स्पेस नहीं था, वो स्पेस नहीं है, वो जो भी है, हम तो रहते नहीं हैं। और ये चारों तरफ अभी फैला हुआ है, इधर भी थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा तो अरेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आफ्टर 6 महीना आई हूँ यहाँ पे, तो 6 महीना से भी शायद ज़्यादा ही होगा। तो सोचा है कि अब और भी बहुत सारे दिन रहने वाली हूँ यहाँ पे, 28 तारीख तक। तो 28 को तो शादी है रिमोदा की, तो 28 तो छोड़ ही दो। तो मैंने सोचा उससे पहले तक मैं कर दूँगी काम जितना मेरे से हो सके। एक आदमी है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, एक अंकल, तो उनको मैं बुलाने की सोच रही हूँ। तो ये भी इस रूम का भी हालात, एक मेरा ना एक बहुत सुंदर फ्लावर पॉट था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, और ऑलमोस्ट ये जगह तो कोई कुछ है ही नहीं अरेंज करने के लिए। और ये भी देख लो, यहाँ पे भी क्या ही दिखा रही हूँ मैं। और ये किचन का भी कुछ पिछले बार आई थी तब करवा के गई थी, तो इसीलिए ये दीवारें जो है ये साफ है, और ये भी अच्छे से मतलब वही जो आदमी है वो करके गए। यार मेरे को ये बात मतलब पता चल गई कि हमेशा ना कोई भी काम ना औरत से अच्छे अगर कोई मर्द करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग ना मतलब अच्छे से होके करते हैं। ये इस तरह नहीं कि औरत मतलब औरत तो हमेशा हाँ क्या ही बोलो, छोड़ो। तो मैं ना अभी ये क्लीन करने के लिए सोच रही थी, तो इसके लिए अभी मुझे चाहिए झाड़ू, और ये बिल्कुल अलमीरा के ऊपर था। और ये अभी क्लीन करने के बाद इसमें काफ़ी सारा कपड़े है, हाँ, जो कि मुझे याद भी नहीं था कि क्या क्या है एक्चुअली। इसमें ये भी कुछ पेंट्स वगैरह होंगे। ओ वाओ, हाँ देखो ये रोस्ट में अभिषेक को गिफ्ट मिला था। यार क्या क्या चीज़ भर के रख दिया मैंने, ये देखो कपड़े, वाह। ये सारे ना मेरे थाईलैंड के कपड़े थे, लेकिन इसको मैंने, ये देखो मैं तो भूल ही गई यार, इसके बारे में तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतने अच्छे एक स्वेटर है। ओ भाई साहब, ये देखो ये भी एक स्वेटर है, ये भी भूल गई थी मैं। हाँ जब मिला है तो ऐसा काफ़ी सारी चीज़ शायद होंगी इसमें। ये क्या है, ये तो पता ही नहीं है मुझे है क्या चीज़। ओके, ये काइंड ऑफ प्लाजो है बट किसके साथ। ये यहाँ पे बहुत सारे अभिषेक का भी, ये मुझे चाची ने दिया था सूट मेरे शादी के पहले, जो पहला अभिषेक था उस टाइम। ओ भाई साहब, यहाँ पे जीन्स, ये स्वेटर और भी कुर्ती है, ये भी कपड़े, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। ये तो एक नए पैक किया हुआ, इसमें क्या है। ओ माय गुडनेस, ये मीशो से लिया था या फ्लिपकार्ट से, एकदम नया है। और ये देखो मुझे मिला क्या है, मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम। यार कोरोना की वजह से मेरी स्विमिंग पूरा एकदम
देखो गाइस मेरी हालत, ये एक्चुअली एक टाइम में ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ था ये वाला सूट, तो ये है इसका दुपट्टा और ये है प्लाजो पैंट। मैं ना इसको खरीदा था, खरीदी थी बहुत ही शौक से, बट ये कपड़ा आज तक मैंने बाहर ही नहीं किया, ऊपर से ऐसे पैकेट में पड़े रह के बिल्कुल ये गंदा सा हो गया, इसको कटिंग करना पड़ेगा यहाँ से। और देखो ये वाला सूट तो मैंने बनाया ही नहीं, इसका दुपट्टा, दुपट्टा में ये क्या डाल दिया ये मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, क्योंकि सूट में मेरे पास बहुत सारे वो रखे हैं, मैं सोच रही हूँ बाद में बना सकती हूँ, राइट, पता नहीं क्या करूँ। ठीक है, ये वाली अलमारी के ऊपर यहाँ पे था और भी कुछ देख लेती हूँ कुछ है तो। अरे चारों तरफ ना जाली बन रखा है, इसमें फ़ोटो फ्रेम है जो कि मेरे पापा के साथ है, एक है और एक अभिषेक के साथ है, मैं सोच रही हूँ ना इसको कहीं पर टांगूँ। और ये शायद वो है, इसमें भी एक ना बहुत ही मस्त वाला चीज़ें हैं, एक कुशन ऐसा है शायद जो कि गिफ्ट में मिला था हम लोगों को। ये देखो ये हमारे हम लोग ना यहाँ पे जलपाईगुड़ी का फर्स्ट होली था, तो उसी का एक कुशन है जो कि हवा के साथ ये फूल जाएगा, लेकिन मैं ना इसको बाहर नहीं करती हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे रहती नहीं हूँ ना, तो ये बेकार में ख़राब हो जाएगा। तो ये है मेरी फ़ोटो फ्रेम जो कि मैं अभी हैंग करने वाली हूँ, और इसमें जो और एक है वो शायद टूटा हुआ है, फिर भी मैं देख। तो ये है मेरी अप्पा जो कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, पापा के साथ मेरी शादी वाला एक ही फोटो है और मुझे ना टाइम ही नहीं मिला था, और ये लोग भी सामने नहीं आए तो फोटो अच्छे से खिंचवा नहीं पाई। हम लोग ये खरीद के अब वो का हो गई फोटो नहीं है কেমন কেসে লড়কি চাই আমি জিন্দগি বহুত খুশাল হিন্দি শান্তি সে কট রে আমি ঝামেলা নেই है ना दोस्तों इनका फोटोज वीडियो में बहुत अच्छा आ रहा है चेहरा, तो यही से जिन जिन लड़कियों को पसंद है वो कमेंट, हाँ बिना फिल्टर का आ रहे हैं और वो लोग कमेंट करते रह गए लगेगा तो और भी अच्छा हो जाएगा। ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो हम लोग गए थे थोड़ा सा विशाल मेगा मार्ट, और ये भैया मेरे साथ गया था क्योंकि अभिषेक का टाइम नहीं था, वो और राणा दा क्लिनिक में थे, तो इसीलिए मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, तो ये भैया को लेके गई थी ताकि बहुत सारा सामान लाना था, तो मेरे अकेले की बस की बात नहीं था, और हम शादी में जाएंगे शादी का भी शॉपिंग था, तो ये सारी चीज़ हम विशाल से लाए हैं, और साथ में ये बैग भी क्योंकि ये एक गिफ्ट में देना है, और ये बैग राणा दा अपने किसको किसी को गिफ्ट करने के लिए बोला था लाने के लिए, वीडियो और ये मैम हमारी अनबॉक्स कर रही है, ऐसे ऐसे करो ऐसे करके ना, और यहाँ पे भी ढेर सारा सामान है जो कि मैं बेड पे नहीं रखने वाली हूँ, इसलिए ऐसे ये मैम यहाँ पे फिर वापस आएंगी लगभग 2-3 महीने बाद, लेकिन अभी उन्होंने फिर पूरा शॉपिंग कर लिया है, घर हो तो घर जैसा। देखो देखो ये कप मैम के लिए स्पेशल आया है, सबके लिए है सबके लिए, लेकिन ये वाला मैम के लिए, हाँ मेरा अलग है, ये मैम का स्पेशल, लेकिन कोई भी पी सकता है ऐसी कोई बात नहीं है। और ये हमारे सबके कप खाली गिमोला के लिए हम नहीं लाए हैं जानबूझ के, क्योंकि अगरबत्ती भी आया है आप लोग देख सकते हैं, गिमोला का अभी तक जन्म नहीं हुआ है, 28 को रिमोला का जन्म होगा, हाँ शादी के बाद ही होगा, शादी के बाद जन्म होगा, फिर उनके लिए लाएंगे हम लोग ये सारे कप्स बढ़िया से। और ये जो मैम के हाथ में है ये बहुत ही जरूरत का चीज है, इसमें जाएगा नमक, एक सफेद नमक, एक मैं सेंधा नमक, बस सेंधा नहीं काला नमक, काला नमक रहेगा, अच्छा ये मैम टूर पे जाएगी इसको लेके, मेरे लिए है नहीं
अभी सामान का लिस्ट बहुत लंबा है हमारा, छोटा से लेके छोटा सा सामान यहाँ पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हो। किचन से लेके वॉशरूम से लेके घर का लेके सब है इसमें, यहाँ तक कि घड़ी का बैटरी भी है इसके अंदर। अभी घड़ी लगेगी वहाँ पे जहाँ पे अभी वो लाइट दिख रही है आप सबको, वहीं पे लगेगा घड़ी, डिटर्जेंट घड़ी नहीं, वक्त देखने वाला घड़ी। अच्छा पहले हम इसका करेंगे उद्घाटन जी, खुशबू महकेगी ऊपर कर दें चौकटा बंद कर। वाह नाइस ना, वही घर दिन वही घर तो कौन दूर अच्छे। बस हो जाए मैडम, ফ্রিজটা তো করলো, জল তো জমে না, ফ্রিজটা করবো কাল করবো, আজকে কোনো হেডেক নেই আমার, এগুলো বাস এগুলো শুধু বানিয়ে না। अभी चाय बनेगी, इसमें भी उद्घाटन होगा इसका। बोतल है अभी चाय के लिए, खाली रस और एक साबुन, चाकू है लेकिन सब्जी काटने के लिए, इंसानों को नहीं काटेंगे हम लोग, जरूरत की सामान वो आ गए। ये रहा सफाई का सामान, ये रस चाहिए अभी, बिस्किट, पीलर, कंटेनर, मिल्क बिकीस, हैंड टॉवल्स, ब्रूम, फिनाइल, ये सबसे ज्यादा सुंदर लगी मुझे आज का शॉप, ये बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज। सेम डिजाइन है लेकिन कलर दो है इसमें, बाय वन गेट वन फ्री है, वो है आपका ब्लू में और ये है आपका ब्राउन में, ब्रेड ब्राउन। ये तो मिला है, ये चाकू मिल गया सब्जी काटने के लिए, इंसानों को नहीं काटेंगे हम। हम तो वैसे खाते ही है, हम तो पापी है। हाँ पाप तो है, धुलेंगे नहीं। पापी है, पापी है। और एक नहीं दिया शायद है, कौन सा वाला चाकू, दो नहीं ना? एक देखा मैंने इधर छोटा वाला, हटाइएगा इसको, इसको हटाइएगा थोड़ा, यही है, धोखा कर दिया विशाल वालों ने, धोखेबाज धोखेबाज विशाल, हमारा चाकू ले लिया विशाल ने, पहले तो वो भी नहीं दे रहा था, ये भी, अब बोलेगा कैसे लगा मेरा मजाक। अरे किको शक्ति दैनी, ये तो शक्ति दैनी वाला चाकू था। ओ भाई साहब इसमें चेक करती हूं, उठा दे की धोखा बैठा चाकू, हम तो मुझे दे ही नहीं ना, होयो सॉरी विशाल, हम सब ने आपको बहुत कुछ बोला लेकिन इसमें है, हाँ अब छुपा के दोगे तो कैसे होगा, मैं बहुत सारा चीज़ लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा सामान जो है वो नहीं था ठीक ठाक, मतलब वो हालत में नहीं था कि वो यूज़ हो सके, तो मैंने जो जो नीड थी घर की वो सब खरीद लिया था, साथ ही साथ थोड़ा बहुत जैसे चाय के सामान क्योंकि जो वहाँ पे था वो हम लोग लेके आए थे। रेडी हो गए हैं बीए बड़ी के लिए, मतलब मैरिज पार्टी के लिए, ये मेरा पति मरीज कर रहा है अभी तक, ये अभी आया है सो इसलिए हम लोग लेट हो गए हैं, और ये भैया पूरा दिन बिना, ये दोनों पूरा दिन बिना खाए बिना नहाए चल रहा है, और हाँ सुबह नहा के गया था अभी फिर से आके नहा लिया, भैया दुख पे है कि भैया का बीवी नहीं है इसलिए भैया दुख पे है, वाले देसान थे कि हमको ऑफर दे ना, देसान ভালো হাসপাতাল খবরে ছবি দিয়ে সে সব দিচ্ছে। ये मेरा पति हॉस्पिटल पेशेंट ये छोड़ के और कुछ मरीज, नहीं मरीज, सकता मरीज, और कुछ इसके लाइफ में है ही नहीं, मरीज, मरीज, मैं भी इनविजिबल हूँ, और विपिन बच्चे अरे कोई तो होगा, और ये है राजा धल, कोई हमको भी दिखा दो मैं हूँ क्या, सारे कपिल और अभिषेक को क्यों दिखाते हो, कोई हमें भी मरीज भेज दो लेकिन है कौन दुकान। तो पीछे अभी गिफ्ट उठा रहा है राजा दा और राणा दा, अभिषेक भी गया है और मैं कार पे चढ़ गई, वही अभी मच्छर घुस गया, तो अभी टाइम हो रहा है कितना 10 बज रहा है, पता नहीं कब पहुंचेंगे, गांव का शादी है, अभी तक तो खाना भी ख़त्म है, सब कुछ ही ख़त्म है ना, और हम दोनों देखो आज अनफॉर्चुनेट हम दोनों मतलब मैच हो गए हैं, कपड़ा मेरा हमारा थोड़ा सा अलग है बट
মোস্টলি এক হি হ্যাই আরে কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না लोग ऑन द वे हमारे घर से ऑलमोस्ट एक घंटा दूर है धूपगुड़ी वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं थाली में और यहाँ पे मैं कल आ रही हूँ अभी के कारण मेरा क्लिनिक के वजह से आता है तो उसका 4 days का क्लिनिक रहता है तो बहुत सारे मेडिसिन की शॉप मतलब दुकान में उसका क्लिनिक होता है तो बैठता है देखता है तो इसलिए उसको आना ही पड़ता है और मतलब एक्चुअली हमारे वो वाले घर में सारे उसके साथ जो लड़के हैं मतलब वो भैया लोग ही आते हैं और ये चारों जने ही रहते हैं रिमोट और मैं नहीं आती हूँ कभी कभार आती हूँ तो इसके कारण जहाँ पे लड़का लोग रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा तो इधर उधर सामान ऐसे रहता ही है इसलिए। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं शादी के हॉल मतलब शादी वाले घर में और हम दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है शादी में खाने के लिए क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना उसके बाद से मैं एक भी शादी अटेंड नहीं किया था इसीलिए। और यहाँ पे शादी का खाना जो है वो बहुत ही मस्त होता है। ये जो वाइट वाले ड्रेस पहने हुए हैं ये है दूल्हा मतलब आज इनका रिसेप्शन पार्टी है और हम लोग आए हैं रिसेप्शन में और हमारे रिसेप्शन अलग होते हैं रीमोदा के फेस में ग्लो है शादी वाला के बाद एक दिन पूरा फेस ग्लो होते हैं शादी वाला अच्छा और के 2 दिन बाद ही इनका शादी था रीमोदा की शादी है तो उनके शादी में फिर जाएंगे फिर वो अटेंड करके फिर उनके उसके अगले दिन ही हम लोग फिर दिल्ली वापस चले जाएंगे। तो वहाँ पे दुल्हन बैठी है और इस साइड में खाने का इंतजाम किया है यहाँ पे बुफे सिस्टम नहीं है मतलब बैठ के खाना खिला रहे हैं और कैटरर लोग जो है वो लोग एक के बाद एक खाना थाली में परोसते जाएगा और अच्छा लगता है मतलब बैठते रहो खाते रहो ये है दुल्हन और फिर मतलब देते जाएगा और आप खाते रहो बैठ के बस मस्त है। मैं थोड़ी सी रील्स बनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बैठे बैठे क्या ही करती मैं किसी को जानती नहीं थी मोस्टली इस शादी में अभिषेक का पेशेंट हम लोग ज़्यादा आए हुए थे और फिर मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हैं तो सब लोग आके ऐसे ऐसे बोल रहे थे सर आप भी हैं ऐसे ऐसे बोल रही वो मज़ा आ रहा था और मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। गोलगप्पा खाने का बहुत मन था लेकिन वहाँ पे इतना भीड़ था हमें बिल्कुल एक भी नहीं मिला अभिषेक को मतलब एक मिला था बस एक वन पीस तो अभिषेक का भी बहुत खाने का मन था मेरा भी बहुत मन था तो कभी खाने के लिए बैठ गए और अभी हम लोग खाने बैठ गए जस्ट वहाँ पे ख़त्म हुआ था फिर क्लीन कर दिया था एंड हम लोग अब बैठ गए और यहाँ पे खाने का जो मतलब मेन्यू है वो एकदम घरेलू मेन्यू है जिसके कारण हम यहाँ पे खाने ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक के बाद पानी का बॉटल लिया और एकदम पुराने ज़माने में जो खाना होता था आजकल तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाथ धोने के लिए एक दिया था अफगानी टाइम वगैरह ऐड कर देते हैं सब लोग लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग बहुत ही दाल मिक्स्ड दाल तो बहुत ही ज्यादा यमी था। और अब दे रहे हैं पेठे की पकौड़ी मतलब इसको बोलते हैं मुड़ी घंटो दाल राइस पेठे की पकौड़ी ये पेठा की पकौड़ी टेस्टी बनाती है इससे और दाल से बहुत ही टेस्टी है और हम लोग हाथ से ही खाते ये है फिश मछली दिया है उसके साथ सलाद भी दिया ये मटन है चटनी ज़्यादा कुछ मेन्यू में था नहीं बट जो था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और अभी पापड़ मीठा दही दही ये सब भी ऐड होगा ये है मिट्टी दही बंगाल का फेमस चीज़ जो कि दिल्ली का मेन होता है और हम बस बस करते हैं और ये गुड़ का रसगुल्लो बस बस बहुत ही ज़्यादा
मैं शर्म नाम की चीज़ भूल गई थी खाते टाइम, सब लोग देख रहे थे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से पेट खाने के बाद फिर हम घर आ गए। और यहाँ पे ये जो घर दिख रहा है इसमें हम लोग कार रखते हैं, बट वो अभी वो लोग सो गए थे और हम लोग सोचा कि रात को और किसी को बुलाएंगे नहीं, फिर यहीं पे गाड़ी रख दिया और हम जाएंगे घर। तो अभी मैं घर जाके जल्दी जल्दी फेस वॉश करूँगी, फिर बेड वगैरह भी झाड़ पूछ करना है। तो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगले वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।